हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी के अंदर। तो आज है 4 अप्रैल, और 4 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, कोरोना वायरस से गीता राम जी की मृत्यु। तो विश्व विख्यात वायरोलॉजिस्ट गीता राम जी, देश में 5 लोगों की जान लेने वाले नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वाली पहली भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीका बन गई है। तो जो गीता राम जी, उनको 2018 में यूरोपियन डेवलपमेंट क्लिनिकल ट्रायल पार्टनरशिप EDCTP द्वारा लिस्बन में आउटस्टैंडिंग फीमेल साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, AI प्लेटफॉर्म की मुख्य फेस कर रहा है IBM। IBM जो है वो कम से कम 90 दिनों के लिए अपने AI प्लेटफॉर्म वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन की मुफ्त पेशकश कर रहा है। यह COVID-19 संबंधित प्रश्नों पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। प्लेटफॉर्म वाटसन असिस्टेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और AI सर्च क्षमताओं को एक साथ लाता है, जो कोरोना वायरस के बारे में आम सवालों को समझने और उनका जवाब देने में मदद करती है। अगला है, डोमिनोज पिज़्ज़ा और ITC में भागीदारी। ITC फूड्स के साथ साझेदारी में डोमिनोज पिज़्ज़ा ने डोमिनोज एसेंशियल लॉन्च किया है। डोमिनोज का डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ग्राहकों को ITC फूड्स द्वारा दी जाने वाली किराने की आवश्यक वस्तुओं के ऑर्डर डिलीवरी करने में मदद करेगा। और 3 अप्रैल 2020 से डोमिनोज ऐप पर आशीर्वाद आटा और मिर्ची, धनिया और हल्दी पाउडर सहित मसालों का कॉम्बो पैक उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, NTPC ने किया दिलीप कुमार पटेल को निदेशक HR नियुक्त। तो जो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, वो दिलीप कुमार पटेल को अपने मानव संसाधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पटेल जो है लगभग 12 वर्षों के लिए NSPCL, पिछलाई, पानीपत और टांडा जैसी विभिन्न NTPC परियोजनाओं में HR प्रमुख रह रहे हैं। वे निदेशक HR के रूप में नियुक्त होने से पहले पूर्वी क्षेत्र 2 में HR के क्षेत्रीय प्रमुख भी थे, और NTPC का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो अगला है, IIM बेंगलोर और ICICI सिक्योरिटीज ने शुरू किया एक कार्यक्रम। तो ICICI सिक्योरिटीज ISEC अपनी CSR पहल के एक हिस्से के रूप में IIM बेंगलोर के साथ स्टार्टअप हब NS राघवन सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग के साथ साझेदारी कर रहा है। यह संरक्षित कार्यक्रम के माध्यम से फिनटेक स्पेस में स्टार्टअप का समर्थन करेगा। 15 महीने का कार्यक्रम बीमा, व्यापार, व्यक्तिगत वित्त, बैंकिंग, धन सलाहकार, ऋण भुगतान आदि के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए है। तो आगे है, डीएसटी ने की तिरव प्रक्रिया के अंदर CAWACH की स्थापना। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान ने COVID-19 हेल्थ क्राइसिस के साथ सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वर्क की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। यह COVID-19 चुनौतियों को संबोधित करने वाले नवाचारों और स्टार्टअप का स्काउट, मूल्यांकन और समर्थन करने के लिए 56 करोड़ रुपए की कुल लागत पर स्थापित किया गया है। सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन की पहचान CAWACH की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में की गई है। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस जो कि 4 अप्रैल को मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट इन माइन एक्शन मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना है। 8 दिसंबर 2005 को महासभा ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को आधिकारिक रूप से इस दिवस को मनाया जाएगा, और पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। RBI ने की मुद्रा बाजारों के समय में कमी। COVID-19 के प्रकोप के मद्देनज़र RBI ने बाजार समय में बदलाव को अधिसूचित किया है। 7 अप्रैल 2020 से सरकारी प्रतिभूतियों, कॉल नोटिस, टर्म मनी, कॉरपोरेट बॉन्ड, विदेशी मुद्रा, भारतीय रुपए ट्रेंडों और वाणिज्यिक पेपर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट से निपटने वाले बाजार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे। ये संशोधित समय 17 अप्रैल 2020 तक प्रभावित रहेगा। बिहार करेगा 1,80,000 लोगों की दोबारा स्क्रीनिंग। बिहार सरकार ने 22 मार्च 2020 के बाद बाहर से आए 1,80,000 लोगों से अधिक लोगों की दोबारा स्क्रीनिंग करने का निर्णय लिया है। स्क्रीनिंग 4 अप्रैल 2020 से शुरू होगी और 6 दिनों में पूरी होगी।
स्क्रीनिंग के पहले चरण के दौरान मास्टर से बिहार आए लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर उन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी जो केरल, तमिलनाडु और दिल्ली से आए थे। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकरों का अनावरण। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकरों का अनावरण 3 अप्रैल 2020 को चीन के हांगझोऊ में एक डिजिटल लॉन्च समारोह में किया गया। 3 रोबोट जो 2022 हांगझोऊ एशियाई खेलों के लिए शुभंकर बनने जा रहे हैं, सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट के रूप में जाने जाते हैं। 3 शुभंकर कांगकांग, लियानियल और चेनचेन हैं। ओलंपिक ने 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हांगझोऊ में 10 से 25 सितंबर 2020 तक होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप स्थगित। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो 2 नवंबर से 21 नवंबर 2020 के बीच भारत में खेला जाने वाला था, कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। टूर्नामेंट के लिए नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। निर्णय 3 अप्रैल 2020 को हुई पहली बैठक में फीफा कॉन्फेडरेशन वर्किंग ग्रुप द्वारा लिया गया। कार्य समूह ने फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप को भी स्थगित कर दिया है। UNGA ने अपनाया एक संकल्प। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से कोविड-19 पर एक प्रस्ताव को अपनाया है, जिसे महामारी को हराने के लिए गहन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है। भारत सहित 188 देशों द्वारा सह प्रायोजित संकल्प को ग्लोबल सॉलिडेरिटी टू फाइट कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। किसी वैश्विक महामारी पर विश्व संगठन द्वारा अपनाए जाने वाला यह प्रथम दस्तावेज है। सैनिटाइजिंग उपकरण के 2 कॉन्फ़िगरेशन तैयार। DRDO विभिन्न आकारों के क्षेत्रों की सैनिटाइजिंग के लिए प्रौद्योगिकियों के साथ तैयार है। सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी CFEES ने दिल्ली में सैनिटाइजिंग उपकरण के 2 कॉन्फ़िगरेशन विकसित किए गए। ये अग्निदमन अनुप्रयोगों के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों से स्पिन ऑफ है। पोर्टेबल सिस्टम को बैकपैक के रूप में लगाया जा सकता है और ऑपरेशन कर्मियों द्वारा ले जाया जा सकता है। ARCI ने किया हैंड सैनिटाइजर का उत्पादन। अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातु क्रम और नई सामग्री उन्नत अनुसंधान केंद्र ARCI हैदराबाद ने WHO मानकों के अनुसार हैंड सैनिटाइजर का उत्पादन किया। इसे हैदराबाद में पुलिस कर्मियों, छात्रों और संस्था के कर्मचारियों के बीच वितरित किया गया है। उत्पादन, पैकेजिंग और वितरण का पूरा विचार सिर्फ 6 घंटे में पूरा हो गया। IIT रुड़की ने विकसित किए कम लागत वाले फेस शील्ड। IIT रुड़की ने कोविड-19 से सुरक्षा के लिए एम्स ऋषिकेश में फ्रंटलाइनर स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए कम लागत वाले फेस शील्ड विकसित किए हैं। फेस शील्ड का फ्रेम 3D प्रिंटेड है। कोविड-19 रोगियों के वार्ड में प्रवेश करते समय स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सुरक्षा गियर के साथ शील्ड का उपयोग किया जा सकता है। जो शील्ड की कीमत है वो 5 रुपये है। हैक द क्राइसिस इंडिया हैकाथॉन लॉन्च। राज्य मंत्री HRD और IT संजय धोत्रे ने 3 अप्रैल 2020 को हैक द क्राइसिस इंडिया का शुभारंभ किया। यह एक ऑनलाइन हैकाथॉन है जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए कार्य समाधान खोजना है। यह हैकाथॉन एक वैश्विक पहल का हिस्सा है और हैक ए कोच इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन पुणे द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस हैकाथॉन का उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना है। AICTE ने लॉन्च किया एक अनोखा हेल्पलाइन पोर्टल। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE एक अनोखा MHRD AICTE कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल लेकर आया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान छात्रों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। URL के साथ यह वेबसाइट 3 अप्रैल 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च की गई थी। राज्यों को SDRMF के तहत 11,092 करोड़ रुपये। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को राज्य आपदा जोखिम प्रबंध कोष SDRMF के तहत 11,092 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी है। केंद्र ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की पहली किस्त की अग्रिम राशि जारी कर दी है। 14 मार्च 2020 को केंद्र ने पहले ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के उपयोग के लिए एक विशेष वितरण कर दिया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।